डिंडोरी जिले के बड़झर घाट क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्तियों के प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिन्हा आज शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पहुंचकर हालचाल जाने उन्होंने घायलों के परिजनों से भी चर्चा की और उनसे अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने इस मौके पर चिकित्सकों से घायलों के दिए जा रहे उपचार के बारे में पूछा और इलाज में कोई कसर बाकी न रखने के निर्देश दिए। सिंह ने उपचार करा रहे घायलों को और उनके परिजनों को भी आश्वस्त किया कि इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, सभी जांचों और इलाज का सारा खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। श्री सिंह ने सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी इस मौके पर की। घायलों का हालचाल जानने मेडिकल पहुंचे लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर गीता गुइन, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अवधेश इस दौरान मौजूद थे। बताया गया कि डिंडौरी जिले के बड़झर घाट इलाके में हुए इस हादसे में घायल हुए व्यक्तियों में से 12 को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जौलपुर लाया गया है। ये सभी मेडिसिन वार्ड में भर्ती हैं। इनमें 8 महिलाएं हैं, सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डिंडौरी में हुए गंभीर सड़क हादसे में जो घायल लोग हैं, ऐसे 12 लोग हैं, महिला पुरुष दोनों उसमें शामिल हैं। उन लोगों को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और अभी आके उन्हीं को देखा है, उनसे बातचीत की है। सभी के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ हो चुका है और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि चोटें होने के बावजूद भी खतरे की स्थिति से प्रारंभिक रूप से वे सभी बाहर हैं। हेड इंजुरी के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा दिखता है कि कोई बहुत खतरे की स्थिति में नहीं है। उसके बारे में यहाँ डॉक्टर्स को कहा गया है कि उनकी पूरी चिंता करें, किसी तरह की कोई कमी इलाज में उनके ना आए, और उन लोगों से भी बातचीत की है और बातचीत करके उनसे भी हालचाल उनके पूछे हैं। उनको बताया है कि उनका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ही यहाँ से स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौटेंगे। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।